Hey guys, welcome back to my another vlog. So guys, कैसे हैं आप लोग? So guys, vlog upload हो चुका है, जाके देखिए. और अभी हम बैठे हैं भाभी के बीच में, एक हमारी आंटी बैठी है, एक हमारे अंकल बैठे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ बात वार्तालाप चल रहे. और अंकल जी ने चला रखे कतई कई सारे, पता नहीं कवाली वगैरह क्या सुनामी सी ढा रखी. अंकल को पता ना क्या क्या चीज़ सुनने की आदत हो गई है. अंकल पहले तो ऐसा बात है तुम पता नहीं होगा बुढ़ापे में हो जा. तो हम बैठे अंकल आंटियों के बीच में, भाभी हमारी बड़ी खुश हो रही आज क्योंकि भाभी के स्वामी जी आए हुए हैं, मामला ही होगा. तो गाइस बाहर निकले थे, बारिश पड़ रही है अच्छी खासी, पता नहीं कौन से मौसम की बरसात हो रही है, बेमौसम बरसात. अब तो सावन भी नहीं चल रहे भाई, जब भी बरसात हो रही है अच्छी बरसात हो रही है. मौसम देख सकते हैं आप, मतलब पानी देखना है ना तो ऐसे देख सकते हैं आप, पेड़ों में देख सकते हैं. यस, हमारे माता पिता ने वैसे ग्रीनरी कर रखा है घर को, पेड़ ही पेड़ पौधे हो रहे हैं. बाकी भाई आराम से चलते हैं, पता चल रहा है धड़ाम दीदी गिर गए यार. मुझे कहीं जाना था और वैसे तो खैर मैं जा ही रहा हूँ, जाना था क्या, जा ही रहा हूँ. बारिश है अच्छी खासी, जिसको समझ आए वो ना खासी. ओके, और अपना अभी गाड़ी से चल रहे हैं और ये 800 से, भैया हम तो इधर उधर 800 से घूमते हैं, अपना 800 से चल रहे हैं. अबे यार ये रुक जाओ, एक तो बारिश में भिगो के छोड़ेंगे भाई. और अभी हम आ गए भाई, मुझे लग रहा है इसमें मुझे भी एक स्टैंड लगाना पड़ेगा जो यहाँ रखा जाए और वीडियो बनती रहे. बाकी तो खैर अभी मैं चल लेता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में भाई. टाटा, मतलब टाटा तो नहीं, मतलब मिलते हैं. भाई पप्पा जी की गाड़ी है, ऐसे ऐसे करके खोलनी पड़ती है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं भाई. और इसका IRVM सेट कर लेते हैं. बाकी हमारा भाई दूध वाला आ गया है रेनकोट पहन के, और स्टार्ट करते हैं गाड़ी ने. और गाड़ी ने जब स्टार्ट हमने कर ही लिया है तो इसका हैंड ब्रेक ये है, उसे नीचे कर देते हैं. और भाई मैं तुम्हें गाड़ी बता क्यों रहा हूँ ऐसे यार, चलो चलाते हैं. एक हाथ से गाड़ी चला लेता है तुम्हारा भाई और एक हाथ से ही सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब तुम देख लो यार. भाभी राम राम. और भाई एक ही हाथ से वीडियो, एक ही हाथ से तुम्हारा क्या कहते हैं ऐसे यार व्लॉग बना रहा हूँ भाई. चल रही है गाड़ी अपनी और क्या. और भाई देख लो पानी कितना भर चुका है प्लॉटों में, मतलब अभी बारिश हो गई यार. ये इसे कर देता हूँ, एक हाथ से ही सब कुछ करना पड़ रहा है भाई. और बंदे फिर अच्छी भी पड़ रही हैं तो भाई अबे अभी ठुक जाती है गाड़ी, नाश हो जाता. चलो मिलते हैं थोड़ी देर में. भाई ये जो गाड़ी है ना, ये अपनी राजकुमारी है, इसको एक हाथ से चलाने में मजा ही है. और भाई अभी हम आए हैं अपनी बहन के घर, उसको लेने और अदित को लेने. और भाई ये अदित आया होगा 100% भाई अदित ही है. अब इसकी हरकतें देखना भाई तुम, ये हरकतें भी एकदम अलग ही करता है, आते के साथ ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देगा बोलना वालना. आओ अदित, क्यों जगह नहीं है क्या आने के लिए? तो बारिश इतनी भी नहीं है भाई. ओहो नोटंकी को देख लो भाई, तुम नोटंकी को देख लो. हाँ वो गीला हो गया, गीला हो गया, गीला हो गया भाई, गीला हो गया लड़का. आ भी जाओ अब. ओए नोटंकी मैं जा रहा हूं, ठीक है तो जल्दी आओ. इधर की साइड से आओ यार, इधर बैठना, इधर इधर से आओ भाई. ये देखो पहाड़न हो रही है हमारी आंटी है. इससे अच्छा ये तुम्हारे नियम रहला है क्या भाई? कि भाई ना धोले में है बाल उल बाते ना, और तुम्हारा भाई कुछ ऐसा लग रहा है आज. और भाई छोटा अपना, तुम तो नहाए भी नहीं भाई, ये तो नहाए भी नहीं, बदबू आ रही है यहाँ से. तो आज
आज मैं नहाया नहीं हूँ, तो आज मैं जाऊंगा नानी के घर। वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्टीन तक काउंट करते हैं। फिफ्टीन तक नहीं, चल आगे फटाफट से, ऊपर चलो। पकौड़ी खाओ घर चल के। पलटी क्या पकौड़ियाँ? डांट पड़ गई। हाँ पलटी। बैठ इधर। डांट पड़ गई। अरे डांट पड़ गई। और ये लड्डू भी फिनिश नहीं करा? सो गाइज, बारिश देख लो यार, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं काफ़ी टाइम से बैठा हूँ कि भाई निकला जाए घर से, निकला जाए घर से, निकला जाए, पर बारिश ना रुक रही भाई। बारिश के चक्कर में खड़ा होना पड़ रहा है यहीं, और तुम्हारा भाई ये खड़ा, ए ए ये खड़ा, और भाई देख रहे हैं बारिश पता नहीं कितने में। मौसम देख लो गाइज यार, ये कौन से मौसम की बात हो रही है? देखो ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, ऐसे पता चलेगा बारिश का। पता नहीं कौन से मौसम की बरसात हो रही है भाई, बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है बारिश भाई। बारिश के साथ आंधी, कैडी चल रही भाई कैडी। मैं तो सोच रहा यार रुक जावे तो मैं चला जाऊं। तुम्हारा भाई तैयार बैठा, ओ सॉरी तैयार में कुछ कमी रह गई, ओके बटन वगैरह बंद कर देता भाई। तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार बैठा है, जो लगाया था मैंने बिग बॉस का कैमरा अपना, मतलब माइक, और तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार बैठा। और भाई अगर बारिश रुक जा तो हम भी कहीं को बाहर घूमें, हमें बारिश नहीं रुक पा रही है, चक्कर में हम भी अपने घर में ऐसे बैठे, और भाई बोरियत पैदा हो रही है भाई। आज अपनी 800 से मैं सोच रहा हूँ ऑफ रोडिंग कर दूँ, ऑफ रोडिंग का लगी मजा आएगा भाई। पर यार बापू को पता चल गया था, बापू मेरी ऑफ रोडिंग कर देंगे। दिक्कत बस ये है, तीन शिकारी बैठे गुलदार ना दिखे। बाकी यार मौसम बहुत बढ़िया हो रहा, मौसम में नो डाउट बहुत बढ़िया हो रहा, देख रहे हो तुम भाई, मौसम में नो डाउट बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ से ऐसे देखो, देखो गाइस व्यूज ऐसे देखो, यो भैया ऑफ रोडिंग लो भाई, तुम ऑफ रोडिंग लो। तो गाइज अभी आ रखे हैं हॉट एंड स्पाइसी, और भाई लोग बैठे हैं, ये टेनी भाई हमारे, और टेनी कल जा रहा है नैनीताल, परसों जा रहा है टेनी नैनीताल। और अभी मैंने मंगवाई है स्पेशल थाली, यहाँ का वेजिटेरियन खाना काफ़ी अच्छा है, और नॉन वेजिटेरियन का आपको टूर करवाई चुके हैं, वेजिटेरियन का टूर अगर आप करें तो हॉट एंड स्पाइसी का खाना काफ़ी अच्छा है। और मैंने अभी स्पेशल थाली मंगवाई है, चेक करने के लिए उसका रिव्यू देंगे, खाली आ जाए उसके बाद उसका रिव्यू देते हैं, और फिर देखते हैं कैसा है, मतलब पूरा दिखाएंगे जो भी रहेगा चीज। थाली का रिव्यू कुछ इस तरह है, और जिसमें एक रायता मिल जाता है, उड़द मिल जाते हैं, एक ये मिक्स वेज है, और आपको पनीर मिल जाता है, सलाद में दो टमाटर, दो खीरे, और ये कुछ चावलों के दाने, मतलब जिसे राइस बोल देते हैं। और अभी टेस्ट करके देखते हैं, अभी रोटी आ रही है, रोटी आने के बाद टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसी है क्या नहीं। गाइस एक पापड़ आ जाता है इसमें, और एक ये रोटी आ जाती है, बटर नान, और एक लच्छा पराठा, और इस मतलब रोटी हो गई तो लेडीज़ों को ही पता है, एक्चुअली अभी मेरी घरवाली आई नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं। और सलाद में हमारे पास प्याज है, और एक गिलास पानी, और सामने बैठी है महारानी। तो गाइस अभी मैं अपने आप से क्या तारीफ करूँ, कभी हॉट एंड स्पाइसी आओ, खुद खा के चेक करो। बाकी खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है, जिसमें मैं अभी खा रहा हूँ मिक्स सब्जी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और उड़द भी अच्छे हैं, उड़द मैं चावल के साथ खाऊंगा, और पनीर की सब्जी भी काफ़ी अच्छी है। और ये हमारे नटखट गोपाल जो कि आप देखते ही रहते हैं इसे, और अभी मैं गस्सा टेस्ट करने जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। गाइस मैं बुराई तो नहीं कर रहा चावलों की, पर जो मुझे मतलब लगा कि चावलों में आई थिंक शायद स्वाद नहीं आ रहा, या तो हो सकता है कि मेरा पेट भर गया इसलिए स्वाद नहीं आ रहा, पर स्वाद नहीं आ रहा चावलों में, और वैसे मैं खा रहा हूँ पनीर के साथ तो स्वाद नहीं है, बाकी देख लेंगे एक बार। मैं फूड व्लॉगर बन गया हूँ क्या?
स्पेशल थाली में एक मतलब एक आइसक्रीम आती है जो कि काफ़ी इन्होंने इस टाइप में दी है और काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट में भी अच्छी होगी। गर्म है, ठंडी है, हल्की हल्की। अच्छा एक लास्ट लास्ट तो भाई दिवेश भाई कल को चले जाएंगे गुड़गांव और ये हमारे बॉडी बिल्डर आदमी है भाई, 160 की तो डेड लिफ्ट मार रहे हैं भाई, इसमें बताओ घमंड नहीं है बिल्कुल भी बंदे में भाई। फोन हाँ फोन किसी का नहीं उठाता। और भाई इसकी एक खासियत बात है, इसकी एक बंदी है, फोन लेखा तो सबसे पहले फोन निकाल लें। इसकी 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 खास बात है, अरे सुन ले, खास बात सुन ले, इसकी बंदी है भाई। उसके बाद भी दो लड़कियों के बीच में बैठा था, दोनों के उस पर हाथ रखे थे इसने गले पे, हाँ यही था। और ये भाई तो बहुत सीधा आदमी है हमारा भाई। अंधेरे में यार मेरा कैमरा चलता नहीं है ना भाई, सस्ता मोबाइल है, 10,000 के मोबाइल से वीडियो बना लेता हूँ भाई, अपना चाहे तो दिखो। मैं देखो मैं ऐसा हो रहा हूँ, मैं वो हूँ पिट्ठू। सो गाइस व्लॉग को हम करेंगे अभी यहीं एंड, और जहाँ घूमना था घूम लिए, फिरना था फिर लिए, और अब काफ़ी थक चुके हैं, घर आ चुके हैं और अब सोएंगे। सो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और इसी के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको अपना छोटा भाई आशुतोष गहलोत, किसी का बड़ा तो किसी का छोटा, बाकी मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।